काजगंज कोतवाली सोरो के ग्राम जरेठा के अवदेश का परिवार दबंगों के डर से गांव छोड़ने को मजबूर है। वीरपाल, कुलदीप, गौरव, कुलजीत, इन्होंने अवदेश के पूरे परिवार के साथ मारपीट की। परेशानी है, लड़ाई हुई थी हमारे से घर पर, सोए का गौरव ने और कुलदीप और गौपरा वाले कुलजीत ने मारा था। कोतवाली में गए थे, उसने एक हमको गाड़ी करोड़ी कह के भगा दिया। केवल इनका जुर्म इतना था कि उन्होंने दबंग लोगों से अपनी छत पर से तार नहीं डालने दिया। यहाँ का लोग सही नहीं है, इस गांव के हमारी जमीन पे कब्जा है। हम शहर रहते थे, शहर से गांव आ गए, दादी हमारी एक्सपायर हो गई, गांव में आए, गांव में भी बहुत विवाद मिला हमको, जमीन के पीछे झगड़े होते आए और आज ये स्थिति है कि 4-5 बीघा धरती पे हमारी जमीन पर कब्जा है। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? गांव के ही परिवार के ही लोग हैं। सस्ती मद्दी जमीन लेना चाहते थे, उस पर ब्याज फिर लगा दी और जमीन भी सस्ती लेना चाहते थे, तो इस तरह से सर हमको कम से कम 2-4 लाख का घाटा पड़ रहा था इस चक्कर में। और हमने लोगों ने से हम उन लोगों से तहसील जाने को मना कर दिया, फिर झगड़ा करने लगे। फिर तहसील में जाके भाई से हमारे से क्या क्या सान कराए हैं, उल्टी सीधी लिखापढ़त करा लिया अपनी, तब ये मैटर सुलझा। शिकायत की सर, सुनवाई नहीं हुई कोई सुनवाई। कहाँ कहाँ गए थे आप? थाने गए थे, कासन भी तहसील। FIR है आपके पास? सब चीज़ है हमारी। परेशानी ये सर, गाँव में हम पहले शहर में रहते थे और फिर बाद में गांव में आ गए, तो परिवार वालों ने परेशान किया, पिताजी को भी मारा, हमको भी मारा, और कुछ समय बाद पिताजी को इन्होंने गायब कर दिया गांव से, और फिर उनकी ज़मीन जायदाद भी कब्जा कर रखा है और कुछ प्राइवेट कागजों पर लिखवा रखा है। ये कहाँ के लोग हैं? ये गाँव के ही हैं लोग साहब, दबंग लोग हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। अब फिलहाल फिर हमको यहाँ से गांव से भगाना चाहते हैं। परेशानी यह थी, 1 तारीख था, इसमें से झंपा डाला था, हमने मना किया, फिर गाली गुली दी थी, हम गए थे, फिर हमको बच्चों को मिलने मार दिया थी, बहुत विकट मार, ये घर पे नहीं थे, पति हमारे थे। किसने मारा था आपके लिए? वीरेंद्र सिंह। और इसने आप किसी साहब ने उसकी शिकायत करी जाके? हमको कई कोतवाली में और 2-3 लड़के थे, उन्हें हमारी सुनी थी, उन्हें डांट फटकार के मुझको निकाल दिया।